और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बयान सामने आया। राम मंदिर के मुद्दे पर इरफान अंसारी का बयान, योगी आदित्यनाथ को हिम्मत है तो मुझे वहां जाने से रोक कर दिखा दें। इरफान अंसारी ये बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि राम मंदिर भाजपा की जागीर नहीं। झारखंड से कांग्रेस के विधायक है इरफान अंसारी और चैलेंज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में राम मंदिर का कार्ड बांटा जा रहा है। क्यों बांटा जा रहा है, कौन होता है, कौन होते हैं बीजेपी के लोग जो हमारे क्षेत्र में इस तरह के निमंत्रण कार्ड बांट रहे हैं। ये इरफान अंसारी के शब्द हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इरफान अंसारी झारखंड से कांग्रेस के विधायक हैं और उनकी ओर से ये तमाम चीजें कही गई। राम मंदिर के मामले पर कैसे बयान सामने आ रहे हैं ये आपने देखा। इससे पहले जितेंद्र आवाड, उससे पहले कई दूसरे नेता सामने आ चुके हैं। अब इरफान अंसारी क्या कह रहे हैं सुनिए। भाजपा के करे कार्ड बांट रहा है, निमंत्रण कार्ड बांटा जा रहा है हमारे क्षेत्रों में। क्यों, आप कौन होते हैं बांटने वाले, किसने अधिकार दिया आपको, बहुत बड़ा हितैषी है क्या आप? ये लोग नकली राम भक्त हैं। ये लोग कहना चाहता हूँ, जनता को रोजगार चाहिए, महंगाई बढ़ गया उस पर देखिए, देश तहस नहस हो गया, बर्बादी के कगार पर है आज हमारा देश हिंदुस्तान। उसको सुधारने की आवश्यकता, न कि राम मंदिर, बताइए साहब।